नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। महापौर ने चाचा नेहरू अस्पताल का आज से किया कामों का शुभारंभ। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय कोपरगंज में श्रीमती प्रमिला पांडे महापौर ने पूजन किया। आज से सुधार कार्य शुरू हो गया है। श्रीमती प्रमिला पांडे ने बताया कि आज से काम शुरू हुआ है, जल्द ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी और अस्पताल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। पूजन में मुख्य रूप से स्वास्थ्य अधिकारी पार्षद रमेश हटी, विकास जायसवाल, रमा शंकर अग्रहरी, चंद्रकांत, राम कुमार दिवाकर, विनय अग्रहरी, कुंदन सिंह आदि लोग मौजूद रहे। भगवान शंकर का मास है और उन्हीं का बजरंग बली का आज दिन है। आज ये हमारा जो चाचा नेहरू अस्पताल, बच्चों का अस्पताल जो बंद हो गया था, उसको जो मेरा सपना था, आज उसमें हम लोग पूजा पाठ करके कार्य को प्रारंभ कर दिया। इससे हमारे शहर की बच्चों को तो सुविधा मिलेगी, लेकिन ये आज के 2500 साल पहले जब ये चलता था तो इधर 5-6 जिलों के ही बच्चे इसमें एडमिट होते थे। मैं खुद इस अस्पताल में अपने बेटे को लेकर 4 दिन रही थी 82 में। तो ये अस्पताल मेरा सपना था, आज यहाँ मैंने पूजा किया और पूजा के बाद अभी चालू हो जाएगा। योगी जी ने भी इसके बारे में चर्चा करी। योगी जी से मैंने खुद बोला था, क्योंकि योगी जी एक गोरखपुर में बच्चों का जो सबसे बड़ा दिमागी बुखार था वो योगी जी के आने से ही हटा। योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने, पहली बार जब होने थे तो भले 2-4 बच्चे मरे, लेकिन उसके बाद वो बीमारी उन्होंने जड़ से हटा दिया। जब मैंने उनसे बोला कि ये बच्चों का अस्पताल था और तीसरी जो लहर आने वाली थी वो बच्चों की बता रहे थे कि बच्चों की आएगी, लेकिन ये पूजा पाठ और ये जो हमारा शहर जो कानपुर है, ये कानपुर कान्हापुर था, तो इसलिए ये गंगा जमुना के दोनों के बीच का हमारा शहर है। तो हमको लगता है कि हम लोग जितना पूजा पाठ आनंदेश्वर परमठ और सिद्धनाथ जागेश्वर पंखी करते हैं, तब तो तीसरी बेकोग आने वाली है नहीं। अब इसी के साथ हमारा अस्पताल भी तैयार हो जाएगा और सबको सुविधा। कब तक ये तैयार हो गया? अब तो चालू है काम आज। अच्छा,